चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आत्मचिंतन के क्षण अनेक लोग जरा सा संकट आते ही बुरी तरह घबरा जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं, उसे ईश्वर का प्रकोप मानकर भला बुरा कहने लगते हैं, निराश हतोत्साह होकर ईश्वर के प्रति अनास्थावन होने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। आपत्तित्य संसार में सहज स्वभावत है, किसी समय भी आ सकती है। उन्हें ईश्वर का अपने बच्चों के साथ एक खेल समझना चाहिए। उनका आशय यही होता है कि बच्चे भयावह स्थितियों के अभ्यस्त हो जाए और डरने की उनकी आदत छूट जाए। निर्भयता उत्कृष्ट मानसिक स्थिति का परिणाम है। यह एक नैतिक सद्गुण है जो बड़े तप और त्याग से प्राप्त होती है। मन का जितना विकास होना चाहिए उसी अनुपात से निर्भयता की उपलब्धि होती होगी। उत्कृष्ट आदर्श सिद्धांतों की रक्षा के लिए जितना उत्सर्ग त्याग कष्ट सहित गुण होगी उसी के अनुसार निर्भयता प्राप्त होती जाइए। पाप कर्मों के लिए अपना अंतःकरण जैसे धिक्कारता और प्रताड़ित करता रहता है, वह मनुष्य सोते जागते कभी चैन नहीं पा सकता। दमा और दर्द के रोगी की भारतीय पापी को भी न रात में न दिन में कभी भी चैन नहीं मिलता है। वह भीतर ही भीतर अपने आप ही अपनी शक्ति को कुर्तता रहता है। भाग्य और कुछ नहीं, कल के लिए हुए पुरुषार्थ का आज का परिपक्व स्वरूप ही भाग्य है। जो आज भाग्यवान दिखते हैं उन्हें वह सौभाग्य अनायता ही नहीं मिला है। विधान ने कोई पश्चात भी उनके साथ नहीं किया है। उनके पूर्व पुरुषार्थ ही आज सौभाग्य के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं। पंडित राम शर्मा आचार्य, जय गुरुदेव।